हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस। इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस में हम इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बता चुके हैं। आज हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस 4 क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है और ये कितने प्रकार का होता है। इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। और इस वीडियो के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है और कितने प्रकार के इंद्रधनुष बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही बारिश होता है और बारिश होने के बाद जैसे ही धूप आता है, तो धूप के बाद आप देखते होंगे आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आखिर ये इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्या कारण है इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष का निर्माण कितने प्रकार का होता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए हम फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जब बारिश होती है तो इस तरह के इंद्रधनुष आपको आकाश में दिखाई देता होगा। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप दो दो इंद्रधनुष देखते होंगे। वैसे इंद्रधनुष अगर कभी कभी आप एक भी देखते होंगे, कभी कभी दो भी इंद्रधनुष देखते होंगे। तो जनरली इंद्रधनुष आकाश में या तो एक या तो दो बनता है। दोनों में क्या फर्क है उसकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये इंद्रधनुष जब बनता है आखिर ये कैसे बनता है। जैसे बारिश होती है और बारिश के बाद जब धूप खिलाता है, तो वो धूप के वजह से वो जो प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश, वो जैसी वाटर की ड्रॉपलेट पे पड़ती है, क्योंकि जब पानी मीन्स वर्षा होती है तो वो वर्षा आकाश में यानी कि एटमॉस्फेयर में वो कहीं कहीं रुकी हुई रहती है, और उस वाटर ड्रॉपलेट से जैसे ही प्रकाश पास करता है, इंटर करता है, तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। मीन्स वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एज अ प्रिज्म वर्क करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाइट लाइट जैसे ही किसी प्रिज्म से होकर के पास आउट होता है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, इस वाटर ड्रॉपलेट्स में जैसी व्हाइट लाइट पास होता है तो इस वाटर ड्रॉपलेट्स में रिफ्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन हो जाता है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये यहाँ से मीन्स रिफ्रैक्शन होने के बाद ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, जिससे कि हमें रेनबो का फॉर्मेशन दिखाई देता है। ये 7 कलर कैसे होता है, मींस जब सन किसी भी वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ता है तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद कहीं आकाश के किसी पार्ट में इस तरह से 7 कलर दिखाई देते हैं। ये कभी कभी दो दिखाई देते हैं, और दोनों में डिफरेंस होते हैं क्या कि अगर रिफ्रैक्शन अगर 2 times और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर 1 time होता है तो ये प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, दो प्रकार के इंद्रधनुष बनते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो इंटरनल जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अंदर की ओर जो रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा प्राइमरी रेनबो होता है। जब एक्सटर्नल जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है वो सेकेंडरी रेनबो होता है, उसे हम द्वितीयक रेनबो बोल देते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष बोल देते हैं। प्राइमरी रेनबो में होता क्या है कि जैसे ये मीन सन का लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके पास आउट होता है, तो ये 2 भाग में आप देख सकते हैं, 2 parts में डिवाइड हुए रहते हैं। सबसे पहला इंटरनल और लास्ट वाला एक्सटर्नल। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें भी रेड है, उसमें भी रेड है। तो प्राइमरी जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है वो एक्सटर्नल जो लाइट होता है वो रेड कलर का होता है, और इंटरनल जो होता है वो आप देख सकते हैं येलो कलर का होता है। मीन्स इस तरह से मीन्स हम कह सकते हैं कि रेड और येलो का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसमें आप देख रहे हैं ब्लू कलर। तो प्राइमरी जो रेनबो होता है वो एक्सटर्नल में हम कह सकते हैं कि रेड और
इंटरनल में जो होता है ब्लू कलर का होता है, और ब्लू और रेड, जब एक्सटर्नल ब्लू रेड कलर होता है और इंटरनल ब्लू कलर होता है तो वो प्राइमरी रेनबो कहलाता है, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। इसके जस्ट ऊपर आप देखे होंगे कि नीचे रेड कलर का है और ऊपर आपका ब्लू कलर है, तो ये रेड कलर जब नीचे मीन्स इंटरनल में होते हैं और आउटरनल जो होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है, तो सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी रेनबो में 2 times रिफ्रैक्शन होता है और 2 times टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो इस कंडीशन में हमारा सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसी देखिए व्हाइट लाइट जैसे ही हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स पे आता है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स से जैसी लाइट पास आउट होता है मीन्स इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से ये आकाश में इस तरह से स्काई में ये 7 color में डिवाइड हो जाता है, और जैसे ही कोई व्यक्ति इस तरह से देखता है तो वो 7 color का एक रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी होता है ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये 7 color में डिवाइड होता है, इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है रिफ्रैक्शन भी होता है, और ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट बना देता है, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी कि वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण ये प्रकाश जो होता है जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट से पास आउट होता है वो 7 color में डिवाइड हो जाता है, जिसे हमें रेनबो का फॉर्मेशन दिखाई देता है। ये आपको रेनबो जो है वो प्राइमरी और ये जो रेनबो है वो सेकेंडरी रेनबो। जैसे हम रेनबो को देखते हैं प्राइमरी रेनबो में आप देख सकते हैं कि नीचे जो है आपका ये रेड कलर और ये आप ऊपर देख रहे हैं ये ब्लू कलर का है, ये दोनों के बीच में यानी कि सनलाइट और रेड कलर के बीच का जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 42 degree का होता है, कभी कभी ये 43 degree भी होता है, और ये ब्लू कलर और इस सनलाइट के बीच का जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 40 या 41 degree का एंगल बनाता है। तो कभी कभी कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दोनों के बीच में यानी कि प्राइमरी रेनबो में जो रेड कलर का होता है वो कितने एंगल का मीन सनलाइट से बनाता है, और ब्लू कलर जो होता है वो कितने एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं ये रेनड्रॉप है, रेनड्रॉप पे जैसी लाइट पड़ता है हम 7 color में देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं सेकेंडरी रेनबो में हम लोग देखते हैं क्या है, अप डाउन मीन्स अपर जो है वो रेड और डाउन जो है आपका ब्लू, और दोनों के बीच में जो आप एंगल देख रहे हैं एक में 51 बन जाता है, एक में 52 या 53 बन जाता है, कभी कभी आप देखते होंगे 51 और 53 और 52 और 53 इस तरह से 1 degree का थोड़ा सा कम बेसी बन जाता है। तो जनरली आप समझ लीजिएगा 51 और 53 degree का एंगल बनता है ये सेकेंडरी रेनबो में। तो सेकेंडरी रेनबो इस तरह से फॉर्मेशन करता है, और ये देखिए प्राइमरी रेनबो का हम इसको इस तरह से करेंगे कि जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका हम कह सकते हैं कि रेड, और इसका अपर पार्ट जो है ये ब्लू कलर का है। ये मींस इसमें जब भी होता है डिस्पर्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां पर ध्यान देना होगा कि जब 2 times रिफ्रैक्शन एंड 1 time टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि 1 बार अपवर्तन और 2 बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो ये रेनबो जब बनता है तो इसे हम प्राइमरी रेनबो बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं। लेकिन जैसे ही अगर 2 बार परावर्तन मीन्स 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 2 times रिफ्रैक्शन एंड 2 times टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन इट विल बी फॉर्म सेकेंडरी रेनबो, ये द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसको हम आंसर के रूप में इस तरह से कह सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित बूंदों में अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और हम कहेंगे कि कभी कभी इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो 2 होता है, और वो 2 कौन सा होता है आप देख सकते हैं कि आंतरिक इंद्रधनुष और एक बाह्य इंद्रधनुष। आंतरिक इंद्रधनुष को हम लोग
बोल देते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और बाह्य इंद्रधनुष को, यानी कि बाहरी इंद्रधनुष को हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष का मीन्स द्वितीयक इंद्रधनुष का नाम दे देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो कहेंगे बुंदों पर आपतित प्रकाश के दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। यह एक रंगीन बैंड होता है जिसके बाहरी किनारे पर लाल रंग का होता है और आंतरिक किनारे पर बैंगनी रंग का होता है, और ये आंतरिक और बाह्य किनारे इंद्रधनुष के साथ 41 डिग्री और 43 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष का, तो द्वितीयक इंद्रधनुष में जब प्रकाश मीन्स प्रकाश की किरणें जब वाटर ड्रॉपलेट्स पे, यानी कि हम मीन्स पानी की बूंदे पर जब पड़ता है तो उसमें दो बार अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है उसे हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। और द्वितीयक इंद्रधनुष में इसका ठीक उल्टा होता है कि बाहरी रंग का जो रंग होता है वो हम कहेंगे बैंगनी और अंदर की ओर जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, मीन्स एक्सटर्नल जो रंग मीन्स कलर होता है हम कहेंगे वो येलो मीन्स वायलेट होता है, या फिर हम ब्लू कह देते हैं, एंड जो इंटरनल होता है वो रेड रंग का होता है जिसे हम सेकेंडरी रेनबो के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 54 डिग्री और 51 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो में जाने कि किस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो फिर हम इसी तरह से एक नए वीडियो में आप लोग के एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।